आपका मोसिन वन सॉल्यूशन में। और आज हम लोग बताएंगे आज विंडोज 7 का जो एडमिन का पासवर्ड लग जाता है तो उसको किस तरीके से हम उसको रिमूव करेंगे विदाउट पेन ड्राइव, विदाउट एनी आईएसओ, विदाउट एनी मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर डाले। तो चलिए ये एक पीसी है, इसके अंदर में मैं इसको जैसे ऑन करता हूँ तो देखिए इसके अंदर में एडमिन का पासवर्ड लगा हुआ है जो कि हम ऐसा तोड़ेंगे कि बिना इसके मतलब मोबाइल के ना पेन ड्राइव डालना है आपको और ना ही आपको कोई एनी सॉफ्टवेयर डालना है ना कोई आईएसओ फाइल डालना है। तो किस तरीके से तोड़ेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। इसका हम लोग 500 चार्ज करते हैं लेकिन तो ये आपको ये चूज़ नहीं करना है, आपको फिर से इसको मतलब पावर ऑन पावर ऑफ की बटन दबा दबा के या फिर बैटरी को निकालना है, यानी कि ऑन ऑफ इतनी बार करना है कि आपको रिपेयर का ऑप्शन खुल जाए जो रिपेयर माय कंप्यूटर। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि पावर की बटन है तो इसको मैं बार बार बंद चालू करूँगा लैपटॉप को या फिर डायरेक्ट अडाप्टर निकालूँगा डायरेक्ट बैटरी निकालूँगा, तो मेरे को किसी भी तरीके से वो ऑप्शन लाना है जो कि रिपेयर माय कंप्यूटर का है। देखिए अभी भी नहीं आया तो मैं ऐसा करके टाइम बचाता हूँ वीडियो का, मैं लेके आता हूँ ऑप्शन को। ठीक है, तो आपको ये लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर रिकमेंडेड करके एक ऑप्शन दिखेगा जो कि ये रिकवरी होती है विंडोज़ रिकवरी। तो ये जब हमारा डेस्कटॉप वगैरह एकदम आपका विंडोज़ डैमेज हो जाता है उस वक्त ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको सिलेक्ट करना है यही ऑप्शन को और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद ये ऐसा रन होगा, रन होने के बाद आपको देखिए कैसा शो करेगा। इस तरीके से आपको एक सर्चिंग करते हुए प्रॉब्लम क्या है वो सर्चिंग करते हुए आपको ट्रबल शूट करेगा ये। और इसके बाद में चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे इसके बाद क्या होने वाला है। ये काफ़ी टाइम लगाएगा 5 मिनट, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबे ना हो इसके लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और सीधा पॉइंट पर ला लूँगा आपको। उसके बाद ये ऑप्शन खुल गया तो आपको क्या करना है, आपको रिस्टोर करना है। रिस्टोर कर दिए तो फिर ये ऐसा अटेम्प्टिंग का बताएगा, उसके बाद आपको डोंट सेंड पे क्लिक। चलो मैं आगे ऑप्शन आता है तो बताता हूँ आपको। तो ये जो दिखा रहा है आपको ये अटेम्प्टिंग टू रिपेयर, ये 2-4 मिनट तक के ऐसा दिखाएगा चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप हो आपका। ये ऑटोमेटिक फिक्स करने के लिए एरर आता है तो ये चलिए मैं बने रहिए, मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके स्किप कर रहा हूँ। मैं डोंट सेंड के नीचे मैं व्यूज़ प्रॉब्लम डिटेल में जाना है और व्यू प्रॉब्लम डिटेल में जाने के बाद ये एरो का निशान दिख रहा है, यहाँ से आपको डायरेक्ट नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको दो लिंक देखेगा ब्लू कलर का, तो लास्ट वाली पे ब्लू पे टिक करके इसको सेव करना है, सेव एज बोले तो। और इसमें जो फाइल्स ऑफ टाइप लिखा हुआ है ये फाइल्स ऑफ टाइप अपने को सी कंप्यूटर में जाना है और सी कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे डी में इसको सिलेक्ट करना है और विंडोज़ में जाके विंडोज़ 32 करना है। विंडोज़ 32 करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यू कर दो, यू टाइप करने से भी आपको एक मिनट ये ऑल फाइल कर दो यहाँ पे फाइल ऑफ टाइप को। और उसके बाद इसको पहले कर देना था, खैर कोई बात नहीं अभी भी कर दी फाइल ऑल टाइप तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो यू टी मैन लिखा हुआ आएगा, यू टिल मैन लिखा हुआ आएगा, उसको हमको रीनेम करना है। रीनेम करके वहाँ पे बिलाल आगा या फिर जो नाम डालना है डाल सकते हैं, चलो अपन बिलाल आगा डाल दिए। उसके बाद इसको मैंने किया और यहाँ पे सीएमडी और सीएमडी को हमने क्या करे यहाँ से और यहाँ पे कर दिए इसको पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट मार दिए। फिर यहाँ पे यूटिल मैन से लिख के इसको कैंसिल कर दो और सारे को इसको हमको रिस्टार्ट कर देंगे अभी। तो रिस्टार्ट करने के बाद कमांड डालने के बाद अभी एक कमांड ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ पे हमको लिखना है यहाँ पे एक, आप गौर से इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं, कंट्रोल यूज़र पासवर्ड। और जैसे ही लिखेंगे तो ये खुल जाएगा जो नाम से हमने सेव करे थे, इसको हमको क्या करना है रिसेट पासवर्ड करना है और यहाँ पर हमको नया पासवर्ड जनरेट करना है। जैसे ही हम नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं सेम पासवर्ड, ओके करके हमको रिस्टार्ट कर देना है, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से ख़त्म कर दो और ये आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड जनरेट कर दो। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहिए, धन्यवाद। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ऑन करके।
बोलना था तो ये आ गया है हमारा तोशिबा, और ये देखिए स्टार्टिंग विंडोज हो रहा है। अब जब वो ऐसा लफड़ा हुआ उसका बोल दिया तो तूने बोल रहा, और ये डायरेक्ट हमारा खुल जाएगा अभी। ये देखिए वेलकम हो गया, वेलकम हो गया। हेलो, और ये डायरेक्ट ही ये ओपन हो जाएगा, अगर पासवर्ड वासवर्ड कोई पूछेगा नहीं, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। देखिए आपके सामने ओपन हो गया। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहिए, धन्यवाद। व्हाट्सएप कर, और इसके अलावा और भी अगर सेकेंड हैंड चाहिए आपको लैपटॉप वगैरह, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल कर रहे, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या नहीं चल रही सर, घर जा रहा हूँ।